हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिकल इंजीनियरिंग दोस्त विद कीर्तन जोशी। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में नोटिफिकेशन बेल उसको ऑन करो, जिसकी वजह से केमिकल इंजीनियरिंग के जो भी बेसिक फंडामेंटल है वो सब आपको मैं क्लियर करवाता रहूंगा। तो आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कैलकुलेट TR ऑफ कूलिंग टावर। TR मीन्स टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑफ कूलिंग टावर। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री से कोरिलेट करते हो, आप केमिकल इंजीनियर हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्री में कूलिंग टावर जो भी वाटर है उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। तो जो भी टेम्परेचर डाउन करने के लिए यूटिलाइज करते हैं उसका मतलब सिंपल ये हुआ, हमारे घर में एसी है, आपने सुना होगा 1 टन का एसी। 1 टन मीन्स व्हाट? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो जो भी इक्विपमेंट कूलिंग करता हो उसकी एफिशिएंसी हम मेजर करते हैं टन में, TR में, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में। बेसिकली हम लोग 1 टन का एसी, 2 टन का एसी ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो टन नहीं है, वो TR है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का एसी, 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का एसी ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऐसी है कि हम सिंपली 1 टन 2 टन अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हम बोलते हैं जैसी कृष्ण को जेएस के, बस वैसे ही टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन को फुल फॉर्म में न बोल के हम सिंपल टर्न बोलते हैं। तो जो भी इक्विपमेंट टेम्परेचर डाउन करता हो उसकी जो एफिशिएंसी है वो हम TR में मेजर करते हैं। तो जो एसी का फंक्शन है, एसी क्या करता है? रूम टेम्परेचर डाउन करता है। वैसे ही कूलिंग टावर क्या करता है? जो भी प्रोसेस वाटर प्रोसेस प्लांट में से रिटर्न होता है उसका टेम्परेचर वो डाउन करता है, तो उसकी एफिशिएंसी भी हम TR में मेजर कर सकते हैं। तो अगर कूलिंग टावर की एफिशिएंसी हमको TR में मेजर करना है तो उसका जो भी कैलकुलेशन है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि एक बंदे ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि हाउ टू कैलकुलेट TR ऑफ कूलिंग टावर, कूलिंग टावर का हम TR कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाया है, हाउ टू कैलकुलेट कूलिंग टावर TR, मींस जो भी कूलिंग करता हो उसकी एफिशिएंसी का TR क्या है वो हमको आज मेजर करना है। तो अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में एज अ केमिकल इंजीनियर, अदरवाइज एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्क कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले कूलिंग टावर का हमको TR कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। यह आप सबने सुना होगा, जहां पे m इज अ मास फ्लो रेट, m डॉट में यहां पे लिखता हूं, m इज मास फ्लो रेट, cp मींस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी मींस टेम्परेचर डिफरेंस। आपके पास कूलिंग टावर का, आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपके पास कूलिंग टावर का बेसिकली 2 डेटा तो होगा ही होगा, एक कूलिंग टावर कितना टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करता है और कूलिंग टावर में जो पंप यूटिलाइज होते हैं उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो कितना है। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ले लिया है 500 मीटर क्यूब पर आवर, और डेल्टा टी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स आप प्लांट में जो टेम्परेचर सप्लाई करते हैं वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और वहां का रिटर्न टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी मीन्स दिस माइनस दिस, तो हमको मिला 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर ना। तो ये डेटा बेसिकली हमको, अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हो तो कूलिंग टावर का ये डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, और ये डेटा के बेस के ऊपर हमको कूलिंग टावर का TR कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्यू निकालो, क्यू इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखो, हमको एम की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन पानी की सीपी की वैल्यू है 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री केल्विन, और डेल्टा टी यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 30 को केल्विन में कन्वर्ट करो, 35 को केल्विन में कन्वर्ट करो, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो भी 5 ही आएगा। मीन्स जब डिफरेंस आता है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, दोनों का डिफरेंस भी निकालेंगे तो 5 डिग्री केल्विन ही आएगा। यहाँ पे हमने डिग्री केल्विन रखा है तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 5 डिग्री केल्विन। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मास फ्लो रेट चाहिए, मास फ्लो रेट मींस केजी पर आवर।
यहाँ पे हमको कौन सा फ्लोरेट दिया है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हो तो कोई भी पंप का हमको वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट यहाँ पे मिल सकता है, तो उसको हमको मास फ्लोरेट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी। यहां से हम एम कैलकुलेट कर सकते हैं, एम इज इक्वल टू रो इंटू वी। पानी की डेंसिटी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब और पानी का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है 5 मीटर क्यूब पर आवर। मीटर क्यूब गया यहाँ पे आया 500 × 10⁻³ kg/h। दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वाटर जो हमको हमने निकाला है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, क्यू इज इक्वल टू एम सीपी डेल्टा टी। सीपी की वैल्यू हमको पता है, पानी की सीपी है 1 kcal/kg/d। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है 5°K। एम डॉट मास फ्लोरेट मेरे को पता नहीं है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी। सो एम मीन्स वॉट, रो इंटू वी। रो मीन्स पानी की डेंसिटी है 1000 kg/m³, इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हमको दिया है 500 m³/h। तो पानी का मास फ्लो रेट हमको मिलेगा 500 × 10⁻³ kg/h। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 500, यहाँ पे लिखूंगा 500 × 10⁻³ kg/h। क्लियर है? डिग्री केल्विन गया, केजी गया। तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 55 × 25 20 × 10⁻³ kcal/h। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, कि अगर आपको, आप सबको पता है कूलिंग टावर क्या करता है, टेम्परेचर डाउन करता है। 5 डिग्री टेम्परेचर उसने डाउन किया, उसका मतलब ये हुआ अगर किसी का भी टेम्परेचर डाउन करना है तो उसमें से हीट हमको निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो कूलिंग टावर है वो 1 आवर में इतनी किलो कैलोरी हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस। कोई भी मटेरियल अगर हीट गेन करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, कोई भी मटेरियल अगर हीट लॉस करता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। तो ये मतलब ये हुआ कि पर आवर में, एक घंटे में तुम्हारा कूलिंग टावर 2500 × 10⁻³ kcal हीट लॉस कर रहा है, एटमॉस्फेयर को दे रहा है, और खुद क्या हो रहा है 5°K टेम्परेचर उसका डाउन हो रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? अब उसको हमको कन्वर्ट करना है टीआर में, तो हमको पता होना चाहिए टीआर और किलो कैलोरी का रिलेशन। तो मेरे को पता है कि 1 TR इज इक्वल टू 3024 kcal/h। 3024 kcal/h को हम 1 TR बोल सकते हैं। तो 2500 × 10⁻³ किलो कैलोरी पर आवर को हम कितना टीआर बोलेंगे, तो 2500 × 10⁻³ / 3024। जो भी आंसर आएगा आपका कूलिंग टावर की टीआर इतनी मिलेगी। तो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर टीआर। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, एक बंदे का मेरे पे रिक्वेस्ट आया करता है कि मेरे को कूलिंग टावर का टीआर का कैलकुलेशन सीखना है, तो वो बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। उसके पास डेटा अवेलेबल था डेल्टा टी 5°K और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो था 500 m³/h। टीआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एम सीपी डेल्टा टी। सीपी हमको पता है, डेल्टा टी पता है, एम हमको पता नहीं है, तो हमने रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी से एम निकाल दिया, एम की वैल्यू यहाँ पे रख दी तो हमको क्यू मिल गया। इसका मतलब क्या है वो भी मैंने समझाया। अगर ये जो आंसर आया उसको मैं 3024 से डिवाइड करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो कुछ नहीं करना, जो भी आंसर आया है उसको 3024 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू मिल जाएगी वो टीआर में मिल जाएगी। तो दिस इज द कूलिंग टावर टीआर। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट टीआर ऑफ कूलिंग टावर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको भी ऐसा कोई डाउट लगता है, आपको भी केमिकल इंजीनियरिंग में कोई कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज मेरे जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें मैसेज करो,
आपका कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।